देवघर झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसे आप लोग वैजनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देवघर को पवित्र हिंदू तीर्थों में से एक माना जाता है। वहीं वैजनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थापित होने के कारण ही इसे देवघर भी कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर को देवताओं का घर भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस लिंग की स्थापना के पीछे एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस घोर तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। तब महादेव रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनके सिरों को फिर से जोड़ दिया और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान में उस शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा जाहिर की। महादेव ने रावण को अनुमति देने के साथ एक शर्त भी रखी कि अगर रास्ते में शिवलिंग को कहीं रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण ने शिवजी की यह शर्त मानकर लंका की ओर चल पड़े, लेकिन अचानक रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। तब रावण ने ग्वाले को शिवलिंग थमाकर लघु शंका करने चले गए, लेकिन उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को भारी होने की वजह से जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो शिवलिंग उठा ना सका और गुस्से में अपना अंगूठा शिवलिंग पर गड़ाकर चला गया। तभी से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रमणेश्वर धाम दोनों नामों से पूरे विश्व में विख्यात हुई। सावन को लेकर इस मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं हैं और यहां पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की जनसैलाब को देखा जाता है और सावन के महीने में यहां पर कांवड़ियों की जल चढ़ाने के लिए लाइन लगी रहती है। वही आपको बता दें कि सावन के पावन महीने की शुरुआत 28 जुलाई से होने वाली है। हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर जुलाई और अगस्त के मध्य आयोजित किए जाने वाले मेले पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वहीं लाखों की संख्या में कांवड़ियां इस मंदिर में अपने कांवड़ का जल चढ़ाते हैं। कांवड़ियां ये जल देवघर और बैजनाथ से 108 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज से भरते हैं और इस जल को कांवड़ियों द्वारा लाया जाता है और पूरी भक्ति भाव से कांवड़ियां गेहूं रंग के कपड़े पहन नंगे पांव साथ ही कांधे पर कांवड़ लिए मंदिर तक पैदल चलकर जाते हैं और साथ में बोलबम के नारे लगाते हुए झूमते हुए सुल्तानगंज से बैजनाथ तक की यात्रा में कहीं नहीं रुकते। इस मंदिर में आने के बाद तीर्थयात्रियों को बासुकीनाथ मंदिर भी जाना होता है। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ियों के लिए ये यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं होते। आपको बता दें कि बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 45.20 किलोमीटर दूर दुमका जिले में स्थित है। वहीं बासुकीनाथ मंदिर अपने शिव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। पूरा सावन लाखों की संख्या में कांवड़ियों का तांटा लगा रहता है। साथ ही बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की जाती है और पूरा सावन बैजनाथ मंदिर बोलबम किनारों से गूंजता रहता है। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।